देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दूसरे दिन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई। देश एवं प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण वायरस के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश के 4 जिलों में उधम सिंह नगर जिला, नैनीताल, देहरादून एवं हरिद्वार में शनिवार एवं रविवार का लॉकडाउन लगाने का आदेश पारित किए गए एवं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के भी निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर आज शहर में देखने को मिला कि आम जनता वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से लापरवाही की ओर नहीं कर रही लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन, जिसको लेकर आज मंगल पड़ाव चौकी इंचार्ज कैलाश नेगी के आदेश पर बाजार में कई स्थानों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। वहीं ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की गई जो कि लॉकडाउन बाजार बंदी के समय सब्जी मंडी में बार बार दिशा निर्देश देने के बावजूद अपनी सब्जी के फड़ खोल कर बैठे थे। वहीं दूसरी ओर दो पहिया वाहन चालक बिना पास एवं अनुमति के अपने वाहनों से घरों के बाहर निकले। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर एक बाइक चालक ने जो अनुमति पत्र दिखाया वह अनुमति पत्र किसी कंपनी के द्वारा जारी किया गया था। अनुमति पत्र में ना ही व्यक्ति का नाम था और ना ही पूरा पता अंकित था, जिसके बाद पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चालक को मैं वाहन के मंगल पड़ाव चौकी ले जाया गया। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि ईदगाह रोड पर एक स्कूटी में तराजू बाट के साथ खड़ी पाई गई, जिसको पुलिस के द्वारा मंगल पड़ाव चौकी ले जाया गया एवं ठेला फड़ के अध्यक्ष इस बात की गई कि जब लॉकडाउन लगाया है प्रदेश के मुख्य के आदेशों के बावजूद सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के फड़ कैसे खुले हैं। उनको द्वारा बताया गया कि सभी ठेले फड़ वालों को अवगत कराया गया था कि शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके मद्देनजर कोई भी व्यापारी अपनी सब्जी के ठेले फड़ न लगाए। इसके बावजूद व्यापारी नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन। उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।